नमस्कार दोस्तों, एग्रीटेक गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो आप फसल देख रहे हैं, अगर ये जमीन पे गिर जाए या झुक जाए तो किसान भाइयों को बहुत ही नुकसान होता। तो इसके लिए मैं कमाल का जुगाड़ मैंने मेरे खेत की इस फसल में करा है, जिससे कि हम इस फसल को झुकने से बचा सकते। चाहे कितनी भी जोर से हवाएं चले हो या फिर इसकी पिलाई कितनी भी बार की जाए, ये फसल आपको झुकेगी नहीं। तो कैसा है ये जुगाड़, किस तरह मैंने करा और आप भी इस जुगाड़ को कैसे कर सकते हैं, तो विस्तृत जानकारी इस वीडियो में लेते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हर बार की तरह आपसे गुजारिश है कि इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए घंटे के निशान को दबा ले, ताकि रोजाना ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मुख्यतः ये फसल गिरने का कारण होता है कि इस बार इस फसल की हाइट बहुत ही ज़्यादा हो गई है और ये बहुत ही कीमती फसल है। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय जो कि नारकोटिस विभाग, इस फसल का लाइसेंस किसानों को जारी करता है और जो किसान इस फसल की खेती करते हैं वो बहुत ही लीगल तरीके से होती है। बार बार इसका मेजरमेंट किया जाता है और गवर्नमेंट की निगरानी में ही इस फसल की खेती की जा सकती है। मेन इसका यहाँ से तना फट जाने की वजह से ये पौधे गिरने की शिकायत आ जाती है। तो इसको रोकने के लिए इस बार हमने क्या करा कि ये जो आप लोहे के सरिये देख रहे हैं, ये लगभग 4 फीट 4.5 फीट की हाइट के सरिये हैं लोहे के। तो हमने ये सरिये इस तरह गाड़ दिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों सरिये हमने गाड़ के बीच में हमने एक प्रकार से रास्ता बना लिया। जब भी इस फसल का काम चलेगा तो फसल में किसान भाइयों को आने जाने के लिए बड़ी आसानी रह जाएगी और फसल भी बच जाएगी। फिर सरिये गाड़ने के बाद हमने आर पार आपको जैसे जैसे दिख ही रहे, यहाँ पे भी सरिया है, यहाँ पे भी सरिया है। फिर ये हमने एक रस्सी की सहायता से इन चारों किनारों को पैक कर दिया ताकि ये फसल इधर से उधर नहीं गिरे। लेकिन इसमें दिक्कत अब भी रहती, वो क्या दिक्कत रहती अंदर चल के हम देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने ये रस्सी बांध दी, इस तरह हमने चारों रस्सियाँ बांध रखी है तो फसल इधर से तो उधर नहीं जाएगी। लेकिन मुख्यतः दिक्कत क्या है कि जैसे कि यहाँ से अगर अफीम इस तरह गिरने का काम चालू हो जाएगा तो फसल तो पूरी फिर भी गिर ही जाएगी। तो इसके बचाव के लिए हमने क्या करा कि ये आपको जूट की डोरी दिख रही जो कि बोरियों के टांके लगाने के काम आती है, या पास लगे थोड़ा बताइएगा ये इस तरह। तो हमने क्या करा कि हर एक फिट पे इस तरह फसल को बांधने का कार्य कर दिया। आप पूरे खेत में जितना भी आपको ये खेत दिख रहा है, इस खेत में हमने ये कर दिया। अब लोहा कितना लगा ये बता दूँ, लगभग 400 किलो के आसपास लोहे के सरिये में लेके आया था। और अगर इस धागे की बात की जाए तो ये 20 से 25 किलो धागा है और जूट की इस सूतली की बात की जाए तो ये 5 से 6 किलो सूतली लगी है। हालांकि मैं कह सकता हूँ खर्चा तो हुआ है, लेकिन अब जैसे कि मैंने यहाँ से टिप लगा ली, इस तरह सारी टिप लगा रखी, तो अगर ये पौधा इस पर झुकता है तो इस धागे पर आके रुक जाएगा ताकि इसका वजन अगले पौधे पर नहीं जाए। इसी तरह अगर ये झुकता है तो इस पर रुक जाएगा, इसी तरह पूरी फसल आपस में सांचों में पैक हो गई। अब मुख्यतः इसका जब प्रोडक्शन चलेगा तब हमें घूमने के लिए ये आराम से जगह मिल गई। एक आदमी यहाँ से इसका काम, प्रोडक्शन का काम यानी कि जो दूध निकलता है वो लेने का कार्य कर सकेगा। इस तरह सारे में आराम से चलने में भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए ये जुगाड़ का वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय कमेंट करके बता दीजिए। और दोस्तों, इस फसल के बारे में बता दूँ कि ये फसल इंडिया में पूरी तरह से लीगल नहीं है। जहाँ पे गवर्नमेंट किसान भाइयों को लाइसेंस प्रोवाइड करके गवर्नमेंट की निगरानी में इस फसल की खेती करवाती है, वही फसल वैध है। और ऐसा नहीं कि किसान अपनी मर्जी से चाहे जितने क्षेत्र में बो सकता है। किसान भाइयों को इस फसल को निश्चित क्षेत्र जो कि गवर्नमेंट निर्धारित करके आपको प्रोवाइड करती है उसी में बोया जाता है। और लगभग 2 से 3 बार गवर्नमेंट की तरफ से इस फसल का मेजरमेंट किया जाता है, नाप का। और जब इसका उत्पादन चालू होता है तो रोज गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में इस उत्पादन को चढ़ाया जाता है। और जितना भी उत्पादन होता है वो किसान भाई निश्चित वक्त पे गवर्नमेंट में जमा करवा देता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इस जुगाड़ के बारे में आपका क्या सोचना, जिससे कि मैंने इस फसल को गिरने से बचा लिया, इस बारे में अपनी राय कमेंट करके हमें बताइए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान, जय किसान।